हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देखें, फिर इस लेक्चर पे आए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। आरती भारती एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 स्टूड एज फॉलोज। तो ये बैलेंस शीट आपके सामने है। आगे बोलता है, भारती डाइड ऑन 12 जून 2017 एंड अकॉर्डिंग टू द डीड ऑफ द सेट पार्टनरशिप हर एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू बी पेड एज अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो डेथ हो रही है वो काफी ऑड डेट दिख रही है आपको यहाँ पे, 12 जून, और यहाँ पे हमने जो बुक्स क्लोज किए हैं वो किए हैं 31 मार्च। आगे बोलता है, द कैपिटल टू हर क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हर डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एट 10% पर एनम। ये हमको देना है, ठीक है, कैपिटल भी देना है और उसके कैपिटल पे 10% पर एनम के हिसाब से हमको इंटरेस्ट भी देना है। हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड दे देंगे उसको। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर कैलकुलेटेड एट एज ₹1,00,000। ठीक है, ये उतने जितने समय वो पार्टनर थी डेथ होने से पहले, है ना, इस साल में बुक्स क्लोज होने के बाद, तो उस समय की सेल कितनी है, 1,00,000 है। और बोलता है कि द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 ईयर्स हैड बीन 10% ऑन सेल। और पिछले 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड इन्होंने निकाला है तो पिछले साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 10% है, तो इस साल का भी प्रॉफिट हम कितना मानेंगे, 10% मानेंगे। बात समझ में आ रही है? आपने पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट कमाया है दैट इज 10% ऑफ योर सेल, तो इस साल भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो 1,00,000 रुपए है उस पर भी हमने कितना कमाया होगा, 10%, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अकाउंट अभी सेटल करना है। ठीक है, और बोलता है गुडविल अकॉर्डिंग टू अ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 20% द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स हुआ। तो एक काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपने जो देना है उसको कैपिटल देना है, किसकी डेथ हो रही है, भारती की, तो भारती को ₹12,000 आपने कैपिटल देना है। तो मैं लिख सकता हूँ बाय बैलेंस, ये भारती का अकाउंट बना रहे हैं ना, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय बैलेंस कितना है, 12,000, है ना। और बोलता है हमको उसे कैपिटल तो देना है मगर साथ ही साथ इंटरेस्ट देयर ऑन एट 10% पर एनम, हमको उस पे 10% ब्याज भी देना है। तो 10% ब्याज, समझना, इस ₹12,000 पे आपको 10% इंटरेस्ट देना है। कब से कब तक का, 31 मार्च 2017 तक के तो अकाउंट्स ऑलरेडी सेटल्ड हैं, 1 अप्रैल से लेकर 12 जून 2017 तक का आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बिल्कुल 12 जून बोल रहा है, इसका मतलब है आपको डेज भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। तो डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 31 मार्च तक के अकाउंट सेटल्ड हैं तो हमको सबसे पहले अप्रैल का देना पड़ेगा, मई का देना पड़ेगा और जून के 12 दिन का देना पड़ेगा। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में आपको शायद मालूम होगा, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ठीक है, और मई में होते हैं 31। अच्छा, यदि नहीं मालूम है कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं तो इट इज वेरी इजी। ये देखो आप यहाँ पे, ये मान लो ये दिस इज जनवरी, जनवरी, अब ये जनवरी मतलब यहाँ पे 31 है, ठीक है, ये फेब 28 सबको मालूम है ना, ये मार्च में 31 है ना, ये अप्रैल 30, मई, ठीक है, फिर जून, ठीक है, फिर जुलाई, हाँ, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये जो ऊपर है ये 31 है और ये 30 है, पर फेब को ध्यान रखना, फेब में 28 होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हो गया 30, और लीप ईयर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं देखा जाता है। तो ये अप्रैल के हो गया 30 days और मई के हो गया 31 प्लस जून के हो गए 12, तो ऑल टुगेदर कितना हो गया 73 days का IOC आपको देना पड़ेगा। तो IOC इज इक्वल टू, IOC निकालते हैं चलिए, IOC 12,000 ठीक है इंटू 12,000 इंटू कितना परसेंट देना है 10%, तो 10/100 इंटू 73 days अपॉन 365 days, बस यही करना है। ये एक्चुअली 73 मेरे को लगता है जानबूझकर इन्होंने दिया है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 73 तो ये हो जाएगा 1/5, इजी टू कैलकुलेट है वो, दिखने में ऐसा लग रहा है ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, 12,000 का 10% दैट वुड बी 1,200, 1,200 डिवाइडेड बाय 5 दैट वुड बी 240, तो हियर इज योर IOC विच इज 240, समझ में आई बात, क्लियर है ये। अब आगे देखिए, हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड, रिजर्व कितना है 12,000 और भारती का शेयर कितना है 2/6 ठीक है। तो जनरल रिजर्व ठीक है 12,000 जनरल रिजर्व है इंटू 2/6 तो कितना हो जाएगा 4,000 ठीक है, ये आपका रिजर्व हो गया। तो ये हो गया 4,000 ठीक है। उसके बाद बोलता है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, जिसका हमने अभी अभी देखा था, 1,00,000 रुपए सेल है और इस 1,00,000 पे एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 10%, तो 1,00,000 इंटू 10% दैट वुड बी 10,000 ठीक है। और इस 10,000 का ये क्या पूरा प्रॉफिट उसका है क्या? नहीं, ये पूरा प्रॉफिट उसका नहीं है, उसका तो 2/6 है, 2/6 है 1/3, 1/3 तो 10,000 का 1/3 हो जाता है 3.3, 3,333, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 3.3, 3.3। गुडविल अकॉर्डिंग टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेस 20%। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, बड़ा सिंपल दिया हुआ है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले तो फाइंड करो, 8,200 प्लस 9,000 प्लस 9,800 ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 3 तो ये हो जाएगा 9,000 इंटू 2 कितना हो गया 18,000 ठीक है। क्या बोलता है लेस 20%, तो 20% लेस कर दो, 3,600 लेस कर दिया तो आ गया 14,400, तो 14,400 इज योर गुडविल, बट दिस एंटायर गुडविल इज नॉट योर्स ना, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म, तो व्हाट इज योर शेयर ऑफ गुडविल है ना, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो भारती का शेयर कितना है, शेयर इन गुडविल उसका 1/3 है, 2/6 या 1/3, तो 14,400 इंटू 1/3 दैट वुड बी 4,800 बाय। हाँ अब बात आती है कि ये गुडविल है ये कौन देगा, हु इज गोइंग टू पे दिस 4,800, तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट आरती एंड सीमा आर गोइंग टू पे इन विच रेशियो 3:1। Why 3:1? Because the new ratio is not given in the question, नहीं दिया हुआ है, तो ये 3:1 ही इनका new ratio रहेगा और 3:1 ही इनका gaining ratio रहेगा, तो 4,800 को 3:1 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा बता सकते हो, ऐसे ही समझ में आ रहा है 3,600 और 1,200 करके देख लो ज्यादा है तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बताइए, हम कितने पैसे लेंगे, हम आरती से पैसे लेंगे गुडविल के कितने 3,600 रुपए और बाय सीमा से हम पैसे लेंगे गुडविल के 1,200 रुपए, डन।
मेरे ख्याल से इतना ही है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। और आप देखो यहाँ पे और कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, टोटल करके देखते हैं। 12,000 +240 +4,000 +333 +3600 +1200, तो ये आ गया आपका टोटल 24373। ये सब आपने देना है, लेना है कि कुछ कुछ नहीं लेना है? तो ये आ गया टू, क्या लिखेंगे, भारतीस एग्जीक्यूटर अकाउंट 24373। समझ में आया किस तरीके से सोल्व करना है? क्लियर है ये? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें।